रात 11:30 तूफान दे विच सारी सत डिग पई ते पोता कार वाली सारे थले आ गए ते मैं कला बहुत ही औखे कड़े। बाद च लोगों नूं पता लग गया मुंडे आ गए साडे उन्होंने मदद की। 7 बजे सारे दे कार वाली दे पोते दे सहेदी ते सारा दी 7 बजी। कुछ दिन पहला तेज मीह अते झक्खड़ झोले तेज हवावां कारण किसानां दीआं फसलां दा अते आम लोकां दा वी भारी नुकसान होया सी। इसे ही तरह राती आई तेज हनेरी कारण फसलां मकानां दा एक बार फिर भारी नुकसान होया। इसे दौरान बठिंडा जिले के पिंड बैमण दीवाना विखे बाजीगर बस्ती दे विच एक गरीब परिवार के मकान की छत डिग गई जिस कारण उसका माली नुकसान भी होया। परिवार के कई मैंबर छत के मलबे थले दबे गए जिन्हों पिंड वासियों ने मलबे थल्यों बाहर कढ़िया ते जख्मियों नूं बठिंडा के सिविल हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। उत्थे पीड़ितों का कहना है कि गरीबों दीआं कीड़ियां मंगां हुंदियां हन। पहलां भी उन्हां वल्लों कई फार्म भरे गए ने पर सरकार दे वल्लों कोई भी मदद उन्हां दी नहीं कीती गई है। असी सर जी बहमन दवाना बाजीगर बस्ती के रहने वाले हाँ। रात 11:30 तूफान के सारी सत डिग पी तो पोता कार वाली सारे थले आ गए तो मैं कला बहुत ही औखे कले। बाद च लोगों को पता लग गया मुंडे आ गए साढ़े उन्होंने मदद की। 7 बजे सारे दे कार वाली दे पोते दे सहेदी ते सारा दे 7 बजी। नुकसान मोटरसाइकिल भी अंदर आ सारा कुछ अंदर खड़ा जी सारा कुछ टुट फुट गया मंजे टुट गए सब कुछ टुट गया हड्डी टुट गई हड्डियां ओदा मोढ़ा उतर गया मेरी हड्डी क्रैंक हो गई सर जी। उदू बाद हाँ रात को सर जी टीके भी लाए दवाई भी दी अजे हूँ एक्सरे चेक कराने डॉक्टर साहब अजे आए नहीं। हाँ जी डॉक्टर साहब आए जी। मंग की करनी है गरीबों की कड़ियाँ मंगा होंगे सरकार तो जो जो पहला भी फार्म भरया पहला भी कुछ नहीं मैं दिता है अजे उन्होंने बारे इनकुआरी चलूगी पता नहीं नहीं आ नुकसान हो गया रात नूं साडे कोले दो पेशेंट एडमिट होए जी जिन्हां दे दस्सण मुताबक उन्हां दे घर दी छत डिग गई सी। वो इस समय सिविल हस्पताल बठिंडा विखे इलाजधीन। सर किवें उह स्टेबल है पेशेंट? उन्हां दी हालत फिलहाल स्टेबल लग रही है जी। बाकी उन्हां दे टेस्ट वगैरह हो रहे है जी रिपोर्टां मुताबक अगे उन्हां दा इलाज चल रहा है।